शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Thank you.
बापू, मैं लेहड़ा वाली माता के दरबार में जाके माँ के लिए प्रार्थना करूंगी कि माँ ठीक हो जाए। बेटे, हम गरीबों की प्रार्थना शायद माता रानी तक नहीं पहुंचती है, नहीं तो ये दिन हम लोगों को नहीं देखना पड़ता। नहीं बापू, माता लेहड़ा वाली के दरबार में सच्चे मन से मांगी हर मुराद पूरी होती है। मैं उस दिन जब सिलने के लिए कपड़े लेने गई थी तो गिरधारी दादा की दुकान पे दो आदमी बात कर रहे थे। नमस्ते दादा। नमन्ने नमन्ने, और कैसी हो बेटी? तुम्हारे माता जी की तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है दादा, और हकीम जी की दवा काम कर रही है। चलो अच्छा हुआ, भगवान जल्दी ठीक कर दे। अरे अच्छन मियाँ, देखो मीना बिटिया आई है, कुछ कपड़े उपड़े हो तो दे दो। अरे हाँ सुरेश भाई, मैं तो आपकी पत्नी की तबीयत पूछना ही भूल गया। गिरधारी भैया, माता लहरा वाली की कृपा से अब हमारी पत्नी एकदम ठीक है। मैंने तो सुना था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। सही सुना था आपने। अरे लड्डन भाई, कोई नहीं कह रहा था कि वो बचेगी, बस हमारे पंडित जी ने कहा कि माता लहरा वाली के दर्शन करा दो, बाकी सब माता रानी पे छोड़ दो, और मैंने वही किया। और आज माता रानी की कृपा से मेरी पत्नी एकदम बिल्कुल स्वस्थ और ठीक है। सच कहा भैया, माता लहरा वाली की महिमा अपरंपार है। गिरधारी भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। बापू, तब से हमारे मन में ही लालसा है कि हम माता रानी के दर्शन करके माँ के लिए प्रार्थना करें कि माँ ठीक हो जाए। बेटी, मगर तुम अकेले कैसे जाओगी, और पैसे भी तो। बापू, तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ पैसे बचा बचा के इकट्ठा किया है, बस तुम आज्ञा दे दो। बाबू, जब दीदी वो कह रही है जाने के लिए, उसे जाने दीजिए। बेटी, कैसे जाओगी, जमाना बहुत खराब है। अरे माँ, मैं माता रानी के दरबार में जा रही हूँ, माता रानी सब अच्छा करेंगी। तुम्हारी इस इच्छा में माता रानी की भक्ति झलक रही है, मैं तुमको नहीं रोकूंगा। जय माता दी। हाँ भैया, हाँ, कितना हो? मुझसे कुछ कहा? जी, ये आपका पर्स हो गया। थैंक यू, आपने मुझ पे उपकार किया, इसमें मेरे एटीएम, पैसा और भी बहुत कुछ था। अच्छा, मुझे तो पता भी नहीं चला कि ये कब गिरा। थैंक यू। मैं कौन होती हूँ उपकार करने वाली, माता लेहड़ा वाली के दरबार में किसी का कैसे बुरा हो सकता है, मैं तो बस माध्यम हूँ, करने वाली तो वही है। आप माता जी पे बहुत विश्वास रखती हैं? क्यों, आप नहीं रखते? नहीं, मैं भी रखता हूँ, लेकिन माता रानी मुझ पर कुछ नाराज है, तभी तो इतने दिनों से चक्कर लगा रहा हूँ नौकरी के, और आज तक नहीं मिली। माता अपने बच्चों से नाराज नहीं होती बाबू, सच्चे दिल से मांगी हर मुराद पूरी होती है। आपने सच कहा आज से, बल्कि अभी से मेरे मन का भ्रम निकल गया। आइए मंदिर चलते हैं।
मुझे अगर नौकरी मिल जाए तो मैं इस लड़की को अपनी पत्नी बना लूंगा। क्या पवित्र विचार है इसके। Hello.
गाती है शाम गान, बोलो 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 जय माता दी, बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, बोलो। आइए चलते हैं घर। मैं आपके साथ इस मोटरसाइकिल पर नहीं, नहीं मैं नहीं आ सकती। क्यों, आप मुझे गलत समझ रही हैं? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। आप तो बहुत सभ्य हैं, मगर मेरी भी कुछ मर्यादाएं हैं, मैं उसे नहीं लांग सकती। पर अब कैसे जाएंगी आप? जैसे आई थी। आप चिंता मत करें, अभी यहीं से एक बस जाएगी, मैं उसी से चली जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे चिंता ना करो, अब तो हर वक्त तुम्हारी ही चिंता रहेगी। अंदर आ जाओ, बाहर भीग जाओगी। बाबा मैं बस की राह देख रही थी, बस आएगी तो मैं निकल जाऊंगी। बिटिया अब यहाँ से साधन मिलना मुश्किल है, तुम रात यहीं गुजार के सुबह चली जाना। नहीं बाबा, मेरा परिवार परेशान हो जाएगा। बिटिया आंधी तूफान में कहाँ जाओगी, हो सकता है माता रानी की यही महिमा हो। जय माई लहड़ा। बिटिया देख मैं आ गई, तुमने मुझे याद किया था ना? प्रणाम माती। सदा सुखी रहो, तेरे जीवन में एक नौजवान आएगा, उसका साथ मत छोड़ना, वही तेरा जीवन साथी होगा। ये लो प्रसाद, अपनी माँ को खिला देना, वो ठीक हो जाएगी। तथास्तु। जय माता दी। मैंने मना किया था कि मत जा, लेकिन नहीं मानी। ना जाने इतनी देर कहाँ हो गई उसे, मुझे तो बहुत चिंता सता रही है। हे माता रानी। बाबूजी, दीदी आ गई। बेटी तुम ठीक हो ना, इतनी देर क्यों हो गई? बापू मैं एकदम ठीक हूँ, वहाँ मौसम खराब हो गया था, बारिश होने लगी तो मैं मंदिर में ही रुक गई। माँ कहाँ है? अंदर है।
देख माँ मैं आ गई। माता रानी ने तेरे लिए प्रसाद दिया है, इसे खा लो, ठीक हो जाओगी। पैर दर्द कर रहा है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मीना के बापू मैं ठीक हो गई, मेरा पैर भी ठीक हो गया। बबलू मैं ठीक हो गई। माँ ये तो चमत्कार हो गया। हे माँ लेहड़ा वाली, तेरी महिमा अपरंपार है, ऐसे ही तू हम पे कृपा बनाए रखना। अरे आवा आवा मीना मिटिया, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। क्या बात है दादा, आप चिंता में क्यों हैं? और ऐसा क्या हो गया कि मेरी राह देख रहे थे? अरे बेटी क्या बताऊं, एक लेडी ड्रेस कपड़ों के नीचे दबा रह गया, कल शादी है, शाम तक देना है, बहुत टेंशन है। बस इतनी सी बात, आप टेंशन मत लीजिए, ये लीजिए लड्डू खाइए। लड्डू ये किस खुशी में बेटा? दादा अब मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। ये तो बड़ी खुशी, क्या चमत्कार हो गया। हाँ दादा सब माता रानी की कृपा है। हाँ जानिए माता रानी ने स्वयं आशीर्वाद देकर उन्हें ठीक कर दिया। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे लड्डन मियाँ लड्डू खाओगे क्या? जी उस्ताद क्यों नहीं। ये लो बेटा शाम तक ले आना। हाँ शाम तक बिल्कुल रेडी मिलेगा। हेलो, ओह सॉरी, नमस्ते। आप यहाँ? बस आपका धन्यवाद करने के लिए आया था। अरे उस पर्स वाली बात के? नहीं नहीं उस बात के लिए नहीं, मुझे नौकरी मिल गई। आपको नौकरी मिल गई? जी हाँ, मुझे बैंक मैनेजर के पोस्ट पर सेलेक्ट किया गया है, और यह सब आप ही की दुआओं का फल है। मेरी दुआओं का फल? उस दिन आपने कहा था ना, माता रानी की सच्चे मन से मांगी हर दुआ माता रानी पूरा करती है, तो यह सब आप ही की दुआओं का तो फल हुआ, इसलिए आपका धन्यवाद तो बनता है। मिस मीना, मेरा नाम मीना है। ओ, मुझे विक्रम कहते हैं, विक्रम पांडे। अच्छा आपके परिवार में कौन कौन है? क्यों ये आप क्यों पूछ रहे हैं? बस यूं ही पूछ रहा था। मैं हूँ, मेरे बापू माँ और छोटा भाई बबलू। आपके पिताजी क्या करते हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। हम लोग बहुत गरीब हैं बाबू, मेरे पिता मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं। मुझे उनसे मिलना है। क्या काम है आपको उनसे? आप अपना पता बता दें, मैं बोल दूंगी। नहीं मैं उनसे खुद घर पे आके मिलूंगा, आप अपना पता बता दें। अच्छा आप जियावन हलवाई की गली में आइएगा, सबसे लास्ट में जो खपड़ेले का मकान है वो हमारा है। आप सुबह आइएगा वरना बापू काम पे चले जाते हैं। ओके मैं कल सुबह आऊंगा। अब मैं जाऊं? ओके। मीना की माँ आज बहुत दिनों के बाद मन गदगद हो गया। हाँ बापू माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। माँ कल हलवा बना देना, दीदी अच्छा नहीं बनाती है। तू माँ को तंग मत कर, अभी अभी तो ठीक हुई है माँ, थोड़ा आराम करने दे। देखो ना माँ मुझे डांटती है। तू इससे लड़ मत, देख मैं भली भांति ठीक हो गई हूँ, तू चिंता मत कर बेटा। ठीक है माँ। बापू एक विक्रम बाबू हैं, इसी शहर में रहते हैं, उनसे लेहड़ा देवी मंदिर में मुलाकात हुई थी, आज बाजार में मिले थे, वो तुमसे मिलना चाहते हैं,
कल सुबह आएंगे। भला उन्हें मुझसे क्या काम होगा? ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने पूछा तो कुछ बताया भी नहीं। अच्छा तो आने दे भाई, मेरा खाना तो हो गया। माँ अब तू भी खा ले, सबका हो गया। ये बबलू का बच्चा बिना और कितना खाएगा? देखो ना, मुझे फिर से डांट रही है। अरे वो तुझसे छोटा है ना, बार बार क्यों डांट रही हो? जी आप, ये मीना जी का घर यही है? जी हाँ, मैं मीना का पिता हूँ। जी मैं विक्रम। खुश रहो बेटा, लेकिन मैंने तुमको पहचाना नहीं। बापू चाय। अरे आप, नमस्ते। नमस्ते। मीना जी चाय नहीं पिलाएंगी? आपके घर पहली बार आया हूँ। आप हमारे घर की चाय पियेंगे? क्यों नहीं, जरूर। ठीक है, मैं अभी बना के लाती हूँ, पर थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं। आइए बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरा नाम विक्रम पांडे है और मैं आपकी बेटी मीना से शादी करना चाहता हूँ। बेटा हम आपके जाति के नहीं हैं, हम छोटी जाति के लोग हैं। फिर ये रिश्ता? मैं इन सब चीजों को नहीं मानता हूँ। भगवान ने सभी को बनाया है और सारे इंसान एक समान हैं। लेकिन बेटा आप कुछ मत सोचिए, बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे आपकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। माँ जी आप भी तो कुछ बोलिए। भाई मैं क्या बोलूं बेटा। लीजिए, क्या बात है, बड़ा सन्नाटा है। बेटा ये तुमसे विवाह करना चाहते हैं। मीना, मीना क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? बेटा पर तुम्हारे घर वाले कैसे मानेंगे? जैसे आप लोग मान गए। तू बबलू है ना? हाँ। आप कौन? मैं तेरा जीजा होने वाला। इस घर में सभी ने मुझको पसंद किया। अच्छा अब तू बता, क्या मैं तेरे दीदी लायक हूँ? हाँ। आपकी मोटरसाइकिल है क्या? चलो जीजा साले एक राउंड मार के आते। चलो ठीक है, चलते। आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा क्या हो गया बेटा? नौकरी की खुशखबरी तो तूने कल ही सुना दी थी, आज क्या हो गया जो इतना? पापा के पास बैठे तो मैं बताता हूँ। अरे आज क्या हो गया, इतना खुश है? अरे पापा मेरी नौकरी तो पक्की हो ही गई, पर मैं जिस लड़की से प्यार करता था उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी, हो गए ना डबल खुशी। देखो जी लड़का अपना बड़ा हो गया। वो तो दिख ही रहा है, पर लड़की कौन है? आप नहीं जानते, मुझे तो सब पता है। नहीं आप उससे कभी नहीं मिली। ये देखिए मेरे मोबाइल में उसका फोटो है, लेहड़ा वाली मंदिर में मैंने उसका निकाला था फोटो, मैं उससे वहीं मिला। तू शेफाली की बात कर रहा है ना? नहीं माँ, उसका नाम मीना है, शेफाली तो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। देख विक्रम, तेरी शादी होगी तो सिर्फ तिवारी जी की बेटी शेफाली के साथ, वैसे उसका कोई जात खानदान पता है तुझे? हम वो अपनी जात की नहीं है, पर आज के जमाने में जात पात कौन देखता है। आप उससे एक बार मिलेंगी तो उसकी फैन हो जाएंगी, इतनी सुशील और शालीन है। देखो विक्रम, हम किसी भी जाति की लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकते, आखिर समाज में हमारा भी कुछ मान सम्मान है। आप लोग कौन सी सदी में जी रहे हैं? दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है? दुनिया का हमें पता नहीं, लेकिन हमें हमारा घर देखना है। वैसे दान दहेज कितना देंगे वो? वो लोग मजदूर हैं, दान दहेज नहीं देंगे। ओहो, तो ये देखकर फांसा है मेरे लड़के को, हम कितने अमीर और संपन्न परिवार से हैं। आप गलत समझ रही हैं माँ, ऐसी बात नहीं है।
देख विक्रम, कान खोलकर सुन ले, तेरी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ तिवारी जी की बेटी शेफाली से। आखिर मैंने तिवारी जी को जबान दी। तो आप लोग भी सुन लीजिए, मैं अगर शादी करूँगा तो सिर्फ मीना से। मैंने उसको वचन दिया है, चाहे इसके लिए मुझे घर छोड़ देना पड़े। विक्रम, अपनी जबान को लगाम दो। अपनी माँ से बात कर रहे हो? इस घर में शादी विवाह का फैसला केवल बड़े बुजुर्ग ही लिया करते हैं। इस घर में वही होता है जो हम चाहते हैं। पापा, मैं कल मीना से मंदिर में शादी करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग आशीर्वाद देने आ गए तो ही मैं इस घर में लौटूंगा, वरना इस घर में मैं कभी नहीं लौटूंगा। अभी तक आपकी चाय खत्म नहीं हुई है। अरे चुप, अभी तो ला के दिए हैं। और देर से पहुँचेंगे तो मालिक आधा पैसा काट लेंगे, कल वही बोल रहे थे। अरे रुक दो मिनट। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो बेटा। बेटा आप इतना सुबह सुबह। बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे आना पड़ा। सब कुशल है ना? हाँ, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? बात ये है कि मेरे घर वाले मेरी और मीना की शादी के लिए तैयार नहीं है। मुझे पता था तुम यही कहोगे। आप परेशान ना होइए, मैं आज ही मीना से मंदिर में शादी करना चाहता हूँ। क्या आप लोग तैयार हैं? मैं मीना को लेके अपने नए घर में नई जिंदगी की शुरुआत करूँगा। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। मीना को भूल जाओ। माता जी, इसमें परेशानी ही क्या है? मैं अब कमाने लगा हूँ, मीना को बहुत खुश रखूंगा। आप लोग मीना से मेरी एक बार बात करा दीजिए, बुलाइए उसे। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। जब तुम्हारे परिवार वाले राजी ही नहीं हैं, तो तुम मीना को भूल जाओ। कहीं ये बात लोगों को अगर पता चल गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कोई उसे पूछेगा नहीं। हम गरीब जरूर हैं बेटा, पर हमारी भी इज्जत है। मेरी बेटी को भूल जाओ बेटा, तुम्हारे आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ। आप हाथ मत जोड़िए माताजी, पर मैं क्या करूँ? मैं मीना से बहुत प्रेम करता हूँ, उसकी अच्छाइयाँ भा गई है मुझे। माताजी, मैं मंदिर जा रहा हूँ और आप लोगों का इंतजार करूंगा। आप लोग अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं शहर से बहुत दूर चला जाऊंगा। माँ, तूने उन्हें मना क्यों कर दिया? अब देख बेटा, उस विषय पे हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे जब उसके घर वाले राजी ही नहीं हैं, तो मैं तुझे जान पूछ कर भट्टी में तो नहीं झोंकूंगी ना। माँ, मेरी बात तो सुन ले, फिर तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगी। देख, अब मुझे तेरी कुछ नहीं सुनना है। बापू, माँ मेरी बात तक नहीं सुन रही है, आप ही कुछ कहिए ना। बेटी, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। बात को समझो बेटी, कुछ समझो। लगता है आप दोनों को बताना ही पड़ेगा कि माता रानी ने मुझसे क्या कहा। माता रानी? हाँ, ये बिल्कुल सच है। मैं उस रात जब मंदिर प्रांगण में सो रही थी, तो माता रानी मेरे सपने में आई और उन्होंने उनके आने का संकेत दिया, और जो प्रसाद खा के माँ तू ठीक हुई, वो माता रानी ने मुझे सपने में दिया। और जब आँख खुली तो वो प्रसाद मेरे हाथ में था। अब बोल माँ, जिसे माता लेहड़ा देवी ने मेरे लिए चुना है, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? सुधा, अच्छी तरह से जानती हो कि ये माता रानी की कितनी बड़ी भक्त है, तो इसके झूठ बोलने का प्रश्न ही नहीं उठता। चल मान जा, अपना फर्ज निभाते हैं, बाकी सब माता लेहड़ा वाली के ऊपर छोड़ देते हैं। चल बेटी, चल चल। तूने क्या सोचा बेटा, हम तेरे बिना अकेले जी पाएंगे? यही मेरी बहू बनेगी, यही मेरी बहू बनेगी। Thank you.
आइए सब दीदी गले मिलते हैं। दोनों बच्चे कायदे से माता रानी के आशीर्वाद से अच्छा रहे दोनों। और क्या करना है हम दोनों, चलिए माता रानी की कृपा है।
गई हर खुशी। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम माँ। खुश रहो। ठीक है खाना बनाने जा रही हो। तुमको तो कुछ आता नहीं होगा, केवल लड़के को ही फंसाना जानती हो। क्या मतलब माँ जी? छोड़ो, तुमसे ना होगा कुछ। लाइए माँ जी, खाना मैं बना देती हूँ। अरे नहीं बेटा, आज तुम्हारा पहला दिन है। क्या हो रहा है मम्मी? देखो ना विक्रम, बहू खाना बनाने की जिद कर रही है और आज इसका घर में पहला दिन है। विक्रम आप ही बताइए, अगर मेरे रहते माँ जी काम करें तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मीना ठीक कह रही है मम्मी, इसको खाना बनाने दीजिए, आप आराम कीजिए और सिर्फ आराम कीजिए। ठीक है। क्या खबर है पापा, अखबार में कोई खास? क्या खबर है, महंगाई महंगाई है। सैफाली अब बस करो, तुम बहुत पी चुकी हो। मैं, मेरे कलेजे में आग लगी है, उसने मुझे छोड़ के दो टके की लड़की से शादी कर ली। तुम लोग देखना, एक दिन मैं विक्रम को पाके रहूंगी। शैफाली हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। जो हो गया सो हो गया, उसे कोई नहीं बदल सकता। जब विक्रम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है तब तुम क्यों नहीं? मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो, मगर ये नहीं हो सकता। मैं विक्रम को नहीं भूल सकती। माँ जी देखिए, मैं माता रानी की मूर्ति लाई हूँ, इन्हें घर में स्थापित करूंगी ताकि हमारे परिवार को किसी की नजर ना लगे। हाँ कर ले जितने दिखावा करना है, लेकिन तू मेरे दिल में ना बहू की जगह नहीं ले सकती। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी, आपने तो हम दोनों की शादी की स्वीकृति दी थी। तू क्या समझती है, तू मेरे बेटे को फंसाएगी और मैं तुझे छोड़ दूंगी? मेरा इकलौता बेटा है, इकलौता, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकती और तेरा इस घर में जीना दुश्वार कर, समझ गई तू? बड़ी आई हद। हे माता लेहड़ा देवी, मुझे शक्ति दो ताकि इस घर में सभी लोगों के दिल में मैं अपनी जगह बना सकूं।
तैयार होने जा रहा हूँ। मीना तुम भी तैयार हो जाओ। क्यों, मैं क्यों तैयार हो जाऊँ? और आज आपकी छुट्टी है ना, आप तो घर पे रहेंगे। नहीं, हम लोग घूमने चलेंगे। नहीं, मुझे नहीं जाना, घर पे बहुत सारा काम है, कपड़े धुलने हैं, खाना बनाना है। वो माँ कर लेगी। आप तो जानते हैं ना, मेरे रहते हुए माँ जी काम करे मुझे अच्छा नहीं लगता। विक्रम तू चिंता न कर, ये जाएगी और थोड़ा काम मैं भी कर लेती हूँ और इसे फ्री कर देती हूँ। हाँ ठीक है, चलो जाओ। मेरे लड़के को फंसा कर तू इस घर में राज करना चाहती है? ये ले इसका इनाम। अरे ये कैसे हुआ? देखो ना बेटा, मेरा हाथ लग गया। बस यूं। बहुत हाथ जल गया है, मैं दवाई लगा दूं। चलो। क्या हुआ? हेलो मिस्टर खान। हेलो सर। हाउ आर यू? फाइन सर। बैठिए। हाँ मिस्टर खान, वो मैंने आपका प्रोजेक्ट देखा है, मुझे लगता है उस पे काम किया जा सकता है। हाँ मिस्टर तिवारी जी, मुझे यही उम्मीद थी, प्रोजेक्ट आपको पसंद आएगा। अगर साथ मिलके काम करेंगे तो पेपर रेडी करते हैं। तो चलिए, आप ऐसा है कल हम लोग मिलते हैं और बैठकर उस पे बात भी कर लेते हैं। तो ठीक है, कल मैं आपके ऑफिस आता हूँ, बाकी वहीं डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल। अच्छा फिर मैं निकलता हूँ। ओके मिस्टर खान, कल हम लोग मिलते हैं और डिस्कशन करते हैं। ओके। शेफाली क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? पापा, विक्रम ने मुझे छोड़ के किसी और से शादी कर ली है। मैं विक्रम को नहीं भूल सकती, मुझे विक्रम चाहिए। शेफाली, रोने धोने से क्या फायदा बेटा? तुम कुशल तिवारी की बेटी हो, तुम तो कमजोर नहीं हो बेटा, तुम जो भी चाहो हासिल कर सकती हो बेटा, किसी भी कीमत पर। कभी कमजोर नहीं होना बेटी, पोछ डालो इन आंसुओं को, तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, कोशिश तो करो। पागल हो गई है वो। और क्या? और मैं जाता हूँ और फिर अबे इतनी जल्दी नहीं, अबे अभी तो बहुत देर। सुनिए, आप लोगों में से कोई यक्ष महाराज का पता बता सकते? क्या काम है? ये तो मैं उनसे मिलके ही बताऊंगी, आप लोग मुझे वहाँ ले जा सकते हैं? ठीक है संता, फॉलो मी। चलो, अरे चल, चलो 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 चलो, इधर से इधर आओ, आओ मेरे पीछे पीछे आओ।
महाराज से आज्ञा लेनी पड़ेगी। मैं जाऊंगा नहीं, महाराज के पास है। ठीक है, तुम ही जाओ। आइए आइए आइए। आओ सैफाली, आओ शैतान की शरण में आओ। तुम अपने प्यार के खातिर आई हो, जिसने तुझे ठुकरा दिया, तुम उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती हो। मैं यक्ष महाराज काली विद्या का महागुरु तेरी मदद करूंगा। महाराज, विक्रम अगर मेरा हो जाए तो मैं आपको लाखों रुपए दूंगी। प्लीज यक्ष महाराज, मेरा ये काम कर दीजिए। ठीक है, तेरी काम में बाधा जो लड़की है, जो आज रात सोएगी तो, परंतु उठेगी नहीं। जय महाकाल। कोई अलौकिक शक्ति उसकी रक्षा कर रही है, मगर एक साधारण सी लड़की की रक्षा अलौकिक शक्ति क्यों कर रही है? मैं हार नहीं सकता, मैं उसे मार कर ही रहूंगा। जय महाकाल, जय महाकाल। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सब देवता करे नमन। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सब देवता करे नमन। सबने है अंसुवारा, माँ दुर्गा को पुकारा, सब पकड़े हैं दामन, माँ करती छावन वारु तन मन। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सब देवता करे नमन। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सब देवता करे नमन।
माँ करती छावन वारु तन मन ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सब देवता करे नमन ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सब देवता करे नमन देखा है मां काला स्वाहा ओम ब्लिंग क्लिंग मां काला स्वाहा ये ले देख क्या रही है ये शमशान की राख है इसको ले जाओ उसके घर के चारों तरफ डलवा देना और उसके घर में लहड़ा देवी की प्रतिमा है जो उसकी रक्षा कर रही है मीना के घर में प्रवेश करते ही मैं उस घर को एक कमत से बांध लूंगा फिर कोई भी शक्ति उस कमत को तोड़ नहीं सकती क्या धीरे बोलो देखते जाओ गुरु जी क्या कर रहे हैं हो जाएगा महाराज गुरु जी का जय महाकाल इसका कल्याण हो जाएगा संता बंता चलो संता बंता गुरु जी तुम दोनों साथ में जाओ जी गुरु जी सूर्यास्त होने से पहले
ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है महाराज। अरे शेफाली बेटा, आओ आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई। मैं जानती हूँ बेटा तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। ये समय पुरानी बातें दोहराने का टाइम नहीं है। आप मीना को विक्रम की जिंदगी से निकालना चाहती हैं? हाँ बेटा, पर कैसे? बस आप मेरा साथ दीजिए। मैं काली विद्या की सहायता से मीना को विक्रम की जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल फेंकूंगी। काली विद्या? बस यही एक रास्ता है। आज रात स्थापित प्रतिमा के ऊपर आप काला कपड़ा डाल देना, फिर देखना विक्रम मीना को खुद ही छोड़ देगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहोगे वैसा ही हम करेंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ, कहीं विक्रम और मीना ना आ जाए। ठीक है, अब तुम निकलो। रुको, कोई आ रहा है। मैं डरूँ मत। कोई देख लिया तो बहुत पड़ेगी। शोर नहीं, जल्दी से, नहीं तो फूलन देवी सैफाली भारी पड़ेगी रे संता। अब तू डाल, मैं चलता हूँ। ए कहाँ बे, चल अब तू डाल। फंसा दिया, मैं नहीं डालूंगा, नहीं डालूंगा। क्या कर रहे तुम लोग? नाटक मत करो, जल्दी काम खत्म करो वरना। सब डाल दिया गुरुजी को, गुरुजी को मत बोलना। हम इस पर वार करके अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। हमें विक्रम पर वार करना होगा। लेकिन तेरे मन में प्रश्न उठ रहा होगा, परंतु तू घबरा मत, बस वो एक बार बेहोश हो जाए, फिर उसकी आत्मा मेरे बस में हो जाएगी और वो मीना को छोड़कर तुझे अपना लेगा। जय मां का। ए रघु, भैया को बुला के ला। भैया जी, तुम ही हो? हाँ, हम ही हैं। जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह।
क्या बात है मैडम, सुबह से कई बार फोन कर चुकी हो। तुम्हें इस आदमी का एक्सीडेंट करना है। सीधे क्यों नहीं बोलती, उड़ाना है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस तुम्हें इतना करना है कि ये हॉस्पिटल पहुंच जाए, बस। कीमत जो तुम चाहो और काम जो मैं चाहूँ। 25,000 एडवांस और 25,000 काम करने के बाद। ओके, डन। सुंदर लग रही हो, मेरी तो नियत खराब हो रही है। ये रात नहीं दिन है, अपनी फीलिंग को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ओहो, इंग्लिश बोलना भी सीख लिया? थोड़ा थोड़ा। और ये क्या, अभी तक आप तैयार नहीं हुई है? फिल्म शुरू हो जाएगी तब हम लोग चलेंगे। अरे मेरी जान, बस मैं यूं गया यूं आया। अरे विक्रम बेटा, मुझे कुछ पैसे दे दो बेटा, तेरे पिताजी के घुटनों की दवाई लानी है। बाजार से जाके ले आओ, कल रात से बेचारे पड़े हैं। माँ तुम कहाँ जाओगी, हम लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं ना, उधर से लौटेंगे तो दवा लेते आएंगे, आप परेशान ना हो। जरूर बेटा। माँ जी अब हम लोग जाएं। जाओ। वाह आंटी जी, आपने तो कमाल कर दिया, उन दोनों को जरा सा भी शक नहीं हुआ। बिल्कुल। ओके, मैं भी चलती हूँ और काम होने के बाद मैं कॉल करूंगी। ठीक है ठीक है। बाय आंटी जी। बाय बाय। तेरे लिए इस दिल में हलचल सी मची, मैं बेकरार सा हूं, एक
पानी पूरी खिला दीजिए। हेलो, हाँ मिश्रा जी, कैसे हैं? हाँ हाँ, अरे वो हो गया है सब कुछ, मीटिंग फाइनल है एकदम, आप निश्चिंत रहिए। जैसे ही सर आते हैं ना, प्रोजेक्ट फाइनल। सेट। जी तो करता है तुमको ही ठोक दूं। एक काम नहीं होता तुम लोगों से, बाहर तो बहुत बड़े माफिया बने फिरते। ए मैडम, अपनी भी खोपड़ी फिरी हुई है, तुम तो पैसा अच्छा देती हो इसीलिए काम ले लिया हूँ, वरना हम रुपया लेकर मारने का ही काम करते हैं। अपने पैसे वापस ले लो और रास्ता टापो। तुम वो पैसे भी रख लो, मैं तुम्हें और दूंगी, लेकिन प्लीज मेरा ये काम कर दो। फिर वही सवाल, कीमत जो तुम चाहो और काम जो मैं चाहूं, मंजूर हो तो मिलाओ हाथ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। तुम्हारी यही स्टाइल तो अच्छी लगती है, तुम जैसा चाहोगी वैसा काम हो जाएगा, टेंशन मत लो, घर जाओ। में तो आता है ये त्रिशूल तुम लोगों के सीने के बाल कर दूं, एक भी काम नहीं कर सकते तुम लोग। लगता है अब मुझे ही कोई माया जाल बुनना पड़ेगा। जय महाकाल। चलो मेरे साथ। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। डॉक्टर, ये ठीक हो जाएगा ना? देखिए, चोट तो ज्यादा गहरी नहीं है, लेकिन होश क्यों नहीं आ रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जब तक इन्हें होश नहीं आता मैं कुछ कह नहीं सकता। माँ जी, ये क्या हुआ और कैसे हुआ? उठो विक्रम, विक्रम। मीना, डाल दिया ना मनहूसियत का साया मेरे बेटे पर, चली क्यों नहीं जाती?
जाती इसको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। चल हट यहाँ से। ऐसा मत कहिए माँ जी, इनके बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं। जब तक मेरे प्राण हैं, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। स्वयं महाकाल को आके इन्हें जीवित करना होगा। इन्हें कुछ नहीं होगा माँ जी, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। Thank you.
सर जल्दी आइए। बेटा बेटा डॉक्टर। क्या हुआ इसे? देखिए इन्हें होश आ रहा है। विक्रम बेटा किस तरह से चल रहा है? एक काम करो तुम वो इंजेक्शन लगा दो। डॉक्टर मेरा एक ही बेटा है इसे ठीक कर दीजिए। डॉक्टर मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। देखिए माता जी आप भगवान पे भरोसा रखिए और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही आपका बेटा ठीक हो जाएगा। सैफाली मुझे पता चल चुका है कि मीना लहरा देवी के मंदिर पहुंच चुकी है और वो दीपक लेकर घर की तरफ बढ़ रही है। अगर ये दीपक उसके घर में स्थापित हो गया तो कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। रोको उसे। जो आज्ञा महाराज। जाओ खत्म कर दो उसे। ना रहेगी बांस और ना बचेगी बांसुरी। जाओ। माता रानी मेरी रक्षा करो। हेलो शिवा, मैं जा रहा हूँ मंत्री जी से मिलने के लिए और तुम जो है वो मैडम के काम निपटा देना और मैं भेज रहा हूँ आजाद को और कन्हैया को भेज दे रहा हूँ। विक्रम को ये क्या कर रही हो तुम? विक्रम बेहोश है और तुम? पता है बुड्ढी, चल हट। ए उठाओ विक्रम को। सफाली मेरे विक्रम को हाथ मत लगाना। ए चुप कर बुड्ढे वरना तेरे शरीर का एक एक अंग काट के रख दूंगा। आजाद उठा इसको और लेके चल। विक्रम मेरे बेटे को छोड़ दो। मेरे बेटे को छोड़ दो। बेटा बेटा मेरे विक्रम बेटा बेटा विक्रम बेटा बेटा क्या हुआ माँ जी आप रो क्यों रही हैं? वो ठीक तो है ना? वो ठीक तो है मीना। सैफाली आई थी कुछ गुंडों के साथ और विक्रम को अगवा करके ले गई। क्या अगवा करके? सैफाली इस हद तक गिर जाएगी मुझे पता नहीं था। बेटी मुझे माफ कर दे। बेटी मेरे बेटे को बचा ले। मेरे बच्चे अब घबराइए मत माँ जी। बेटे को मेरे बच्चे अब घबराइए मत माँ जी उन्हें कुछ नहीं होगा। चालेनी ना
माँ लेहड़ा देवी, जब तूने इन्हें मेरे जीवन में चुना है तो आज ये संकट की घड़ी में मैं तुझे पुकारती हूँ। आज जग को दिखा दे माँ कि जब जब तेरे सच्चे भक्तों पे कोई मुसीबत आई है तो तुम स्वयं रक्षा करने के लिए धरती पे आई हूँ माँ। जय माता दी।
महाकाल माते। प्रणाम माते। अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय माँ लहड़ा वाली, जय माँ लहड़ा।